बात करते हैं कुछ बजट रेंज में एकदम प्रीमियम पावरफुल किलर फोन्स के बारे में। अगर दोस्तों आपका बजट 10,000 के अराउंड है, आपको उस रेंज में सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस वाले गेमिंग के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी वाले कैमरे के लिए पावरफुल किलर फोन परचेस करने की सोच रहे हो 10,000 की प्राइस रेंज में, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले, आप कर दो सब्सक्राइब और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। टोटल मैंने 6 एकदम प्रीमियम पावरफुल किलर स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइजेंस आपको बिलो 10,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। 10,000 की प्राइजेंस में काफ़ी सारे ढेर सारे ब्रांड के स्मार्टफोन थे बड़ा हमने आपके लिए। उन सारे ब्रांड्स में से सबसे ज़्यादा बिकने वाले एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 6 नंबर पे स्मार्टफोन के बारे में जो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 जिसमें आपको यूनिसिक्स T610 का प्रोसेसर के साथ आता है। अगर मीडियाटेक का होता काफ़ी अच्छा होता, 4+ 64GB की रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, 6.7 इंच का फुल HD+ की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, पंच होल के साथ आता है, काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात करते हैं 5th नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन के बारे में जो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C31 जिसमें आपकी 16T612 का प्रोसेसर के साथ आता है जो 6th वाले से काफ़ी बढ़िया है परफॉर्मेंस के मामले में, जिसमें आपको 4+ 64GB की रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, 6.5 इंच का HD+ की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, अगर फुल HD+ होता काफ़ी अच्छा होता, 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 4th नंबर पे स्मार्टफोन के बारे में जो आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्प्राग 8 प्रो जिसमें आपको मीडियाटेक हेलो G85 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 4+ 64GB की रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, 6.8 इंच का फुल HD+ की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको पंच होल के साथ आता है, काफ़ी क्लियर बात है, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, 48 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी, साथ में आपको 10,000 की प्राइस रेंज में सबसे मैक्सिमम 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ये चीज़ इस फ़ोन को सबसे ज़्यादा क्लियर बना देती है अगर आपके लिए बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं 3rd नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन के बारे में जो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नोड 1 जिसमें आपको मीडियाटेक हेलो G85 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट इन क्लास है, 10,000 की प्राइस रेंज में, 4+ 64GB की रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, 6.67 इंच की फुल HD+ की डिस्प्ले, पंच होल के साथ आता है, 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट के साथ आता है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है, साथ में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलती है, 10,000 की प्राइस में सबसे बेस्ट इन क्लास कैमरा सेटअप के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। इस फ़ोन का एक और वेरिएंट है 4GB 128GB जो 11,000 की प्राइस रेंज में अवेलेबल है, साथ में आपको रियल में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात करते हैं 2nd नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन के बारे में जो आता है पोको की तरफ से, पोको M3 ये स्मार्टफोन 11,000 की प्राइस रेंज में और 10,000 की प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है जो आता है पोको की तरफ से, पोको M3। इस फ़ोन की प्राइस 11,000 के अराउंड है, अच्छी डील्स में आपको 10,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, अगर आप 1,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो ये डील सबसे ज़्यादा किलर डील है 10,000 की प्राइस रेंज में, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, 6.52 इंच का फुल HD+ की डिस्प्ले, 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट के साथ आता है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 6000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ आता है, 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, साथ में आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। अगर इस फ़ोन का अब येलो कलर का वेरिएंट देखोगे दिखने में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा किलर लग रहा है। फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 1st नंबर पे स्मार्टफोन के बारे में जो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F12
इस फोन की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कह सकते हो ब्रांड की, जिसमें आपको सैमसंग एक्सिनोट 8 ओक्टा का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है 4+, 64GB की रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच का, HD+ की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, FHD+ होता तो काफ़ी अच्छा होता, बड़े आपको 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट के साथ आता है, काफ़ी अच्छी बात है, 48MP का क्वाड कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 6000mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है कैमरे में, और बैटरी में काफ़ी बेस्ट इन क्लास है 15W की, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, साथ में आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। दोस्तों यही थी टॉप 6 एकदम प्रीमियम पावरफुल क्लियर स्मार्टफोन जो मेरे को 10,000 की प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सारे स्मार्टफोन्स मैं आपको 10,000 की प्राइस रेंज में आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर दोस्तों इन स्मार्टफोन्स के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो सारे स्मार्टफोन्स की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आती रहती हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।